वेलकम टू द चैनल आरबी फैंटेसी सेवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले अमेरिकन बास्केटबॉल लीग का जो मैच खेला जाने वाला है वाशिंगटन वर्सेस डेनवर के बीच में। दोनों टीम में कंपैरिजन करें तो पॉइंट टेबल पर फर्स्ट एंड ट्वेल्थ पोजीशन वाली टीम है, जहां पर वाशिंगटन अपने होम में खेलने तो वाली है, लेकिन इस सीजन में इन दोनों टीम के बीच में जो हेड टू हेड मैच हुआ है वो मैच भी यहाँ पर डेनवर ने विन किया है। और डेनवर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है, पॉइंट टेबल पर फर्स्ट पोजीशन है, पर रिसेंटली मैचेस इतने बेटर रहे नहीं। फिर भी यहाँ पर ये टीम डिफेंसिवली और ऑफेंसिवली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। रिसेंटली चार में से दो मैच विनिंग के साथ आ रहे और रिसेंटली चार में से एक ही मैच विन कर पाए वाशिंगटन। तो वाशिंगटन की तरफ से थोड़ी सी वीकनेस है, डेनवर आज के मैचेस में भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है और प्रॉबेबली विनिंग टीम भी आज के मैचेस के लिए यहाँ पर रहने वाली है। बात करेंगे दोनों टीम की तरफ से प्रॉबेबल स्टार्टर प्लस इंजरी अपडेट्स, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, फाइनल टीम और फाइनल अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। सारे अपडेट्स आपको फाइनल लाइनअप आने के बाद वही मिलेंगे जिसके लिंक मैंने आपको प्रोवाइड किए कमेंट बॉक्स में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। दोनों लिंक अगर वर्क नहीं करते तो टेलीग्राम पर सर्च करना @RBFantasy7, सारे अपडेट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ से। और क्रेडिट इशू आज के मैचेस में भी होने वाला है, तो जो एप्लीकेशन है जहाँ पर क्रेडिट इशू नहीं होता, जैसे कि यहाँ पर विजन 11 और 11 चैलेंजेस एप्लीकेशन, इन दोनों एप्लीकेशन के लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किए। कोशिश करना वहाँ पर खेलने के लिए क्योंकि वहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा बनता है। बात करेंगे दोनों टीम की तरफ से प्रोबेबल स्टार्टर प्लस इंजरी अपडेट। सबसे पहले डेनवर, तो डेनवर की तरफ से कोई इंजरी अपडेट्स नहीं, रेगुलर स्टार्टिंग लाइनअप आपको देखने को मिलेंगी, जहां पर जमाल मोरे स्टार्ट करेंगे पॉइंट गार्ड, शूटिंग गार्ड पोजीशन से स्टार्ट करेंगे कैल्डवेल पॉप, पावर स्मॉल फॉरवर्ड सेक्शन से मिचेल पोर्टर, पावर फॉरवर्ड सेक्शन से एरन गोडर और सेंटर पोजीशन से स्टार्ट करेंगे निकोला जोकिच। ये इस टीम की प्रोबेबल स्टार्टिंग फाइव है, जहाँ पर टीम के स्टार प्लेयर है निकोला जोकिच और जमाल मोरे। रिसेंटली मैचेस में मिचेल पोर्टर का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, एरन गोडर ऑन ऑफ रहे, कभी अच्छा आता है कभी यहाँ पर इतना बेटर आता नहीं, थोड़े से रिस्की पिक हमेशा ही आपके लिए रहेंगे। कैल्डवेल पॉप को टाइम काफ़ी अच्छा मिलता है, तो ये भी एक थोड़े से अनएक्सपेक्टेड प्लेयर है, कभी कभी इनकी तरफ से शूटिंग से अच्छा आता है तो काफ़ी ज़्यादा पॉइंट देते हैं, अदरवाइज यहाँ पर इनकी तरफ से थोड़े से कम ही पॉइंट आते हैं। मेनली जो तीन मेन प्लेयर है जैसे कि यहाँ पर जमाल मोरे और रिसेंटली मैचेस में मिचेल पोर्टर जूनियर का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है स्पेशली यहाँ पर शूटिंग से, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे निकोला जोकिच, जो कि ट्रिपल डबल लगाकर आए, पॉइंट रिबाउंड और असिस्ट से हर एक सेक्शन से 10+ पॉइंट इन्होंने यहाँ पर दिए। एसपी चॉइस के लिए सबसे अच्छी चॉइस आपको यहाँ पर निकोला जोकिच मिल जाएंगे। वैसे भी आज का मैच एक अगेंस्ट वीक टीम के साथ खेल रहे और जब इन दोनों टीम के बीच में लास्ट हेड टू हेड मैच हुआ था तो वो मैच डेनवर ने काफ़ी ज़्यादा पॉइंट के मार्जिन से विन किया था, तो कोशिश करना आप डेनवर के फेवरेबल में टीम बनाने के लिए जिसमें आपके लिए निकोला जोकिच, मिचेल पोर्टर और जमाल मोरे जो कि इनफॉर्म प्लेयर है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। एरन गोर्डन और उसके साथ साथ कैल्डवेल पॉप थोड़े से डिफरेंशियल पिक रहेंगे, जिनको आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर लेना। क्रेडिट इशू की वजह से आप इनको ट्राई करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहेगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर क्रेडिट इशू काफ़ी ज़्यादा है और स्पेशली रिमिलों पर यहाँ पर इनको पिक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आएंगी, काफ़ी सारे क्रेडिट आपको मैनेज करने पड़ेंगे। एरन गोर्डन का परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा है और कैल्डवेल पॉप का परफॉर्मेंस भी अगर देखेंगे तो ठीक ठाक रहा था। रिसेंटली दोनों मैचेस में कैल्डवेल पॉप का परफॉर्मेंस आया नहीं, लेकिन इससे पहले जो थर्ड मैच रहा था वहां पर इन्होंने 20 पॉइंट शूट किए थे, तो प्लेयर में एबिलिटी है और 20 पॉइंट शूट के साथ साथ इन्होंने 3 स्टील भी दिए थे, तो जरूर आप इनको ग्रैंड लीग में ट्राई कर लेना। इस टीम की तरफ से जो बैंस स्ट्रेंथ है, बैंस से भी काफ़ी अच्छी यहाँ पर इनके पास स्ट्रेंथ है, स्पेशली यहाँ पर फ्रंट कोर से ब्रंस ब्राउन का यहाँ पर डिफेंस काफ़ी अच्छा है, जो कि यहाँ पर एरन गोर्डन के सब्स्टिट्यूशन पर आपको खेलते देखने को मिलेंगे। जेक नांजे यहाँ पर अवेलेबल हो तो बैकअप सेंटर यहाँ पर जेक नांजे को यूज़ किया जाएगा और ओब्रायन के यहाँ पर पॉसिबिलिटीज रहेंगे कि इनको आज के मैचेस में या तो कम टाइम मिलेंगे या फिर ना ही खेलते आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि फर्स्ट चॉइस हमेशा से यहाँ पर जेक नांजे की रहेंगे, जो कि यहाँ पर निकोला जोकिच के सब्स्टिट्यूशन पर आपको खेलते देखने को मिलेंगे। ये दो बेस्ट प्लेयर और कंटिन्यूसली टाइम यहाँ पर मिल रहा है क्रिश्चियन ब्राउन को, इनके पास बैकअप गार्ड पोजीशन रेगी जैक्सन भी यहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन क्रिश्चियन ब्राउन को रिसेंटली मैचेस में टाइम मिला है। तो जो मेन इनके तीन प्लेयर रहेंगे, एक तो यहाँ पर ब्रंस ब्राउन फर्स्ट प्रायोरिटी रहेंगे, सेकंड प्रायोरिटी जो रहेंगी वो रहेंगे आपके लिए क्रिश्चियन ब्राउन, थर्ड प्रायोरिटी के लिए जेक नांजे और एक प्लेयर को यहाँ पर फिलहाल मैं मिस कर रहा हूँ वो है यहाँ पर जेब ग्रीन। क्रेडिट अवेलेबल है तो जरूर इनको ट्राई कर लेना। रिसेंटली दोनों तीनों मैचेस में परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है और सेकंड बेस्ट इनके यहाँ पर बेंच प्लेयर है, जो कि कंटिन्यूसली परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अगर किसी को ट्राई करना ही चाहते तो ये दोनों प्लेयर काफ़ी अच्छे रहेंगे। क्रेडिट से और मैं क्रिश्चियन ब्राउन का ऑप्शन आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। रिस्की पिक रेगी जैक्सन और जेक नांजे रहेंगे, जिनको यहाँ पर आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर लेना। ये वा डेनवर की तरफ से स्टार्टिंग लाइनअप प्लस यहाँ पर बेंच स्ट्रेंथ। सेकंड साइड है अगर वाशिंगटन की तरफ से बात करूँ तो वाशिंगटन की एक थोड़ी सी वीक टीम है, मॉन्टे मॉरिस का परफॉर्मेंस कंटिन्यूसली तो आया है, लेकिन क्रेडिट फिर भी यहाँ पर इनके थोड़ा सा इशू बन सकते हैं। ब्रैडली बिल सिलेक्शन परसेंटेज कम है लेकिन इंपॉर्टेंट प्लेयर है, और किस्पर्ट यहाँ पर एज अ स्टार्टर खेल रहे क्योंकि यहाँ पर काइली कंदुमा इनके ऊपर गेम टाइम डिसीजन है, लास्ट मैच भी खेले नहीं थे ड्यू टू यहाँ पर एंकल स्प्रिंगिंग। आज के मैचेस में भी यहाँ पर फिलहाल जब यहाँ पर मैं वीडियो बना रहा हूँ रात को,
तब यहाँ पर क्लियर इंजुरी अपडेट्स आए नहीं, हो सकता है खेलेंगे या फिर ना भी खेलेंगे। अगर काइली कंजुमा खेलते तो सीधा सीधा यहाँ पर किस्पर्ट की जगह पर आपको स्टार्ट करते देखने को मिलेंगे। फिलहाल किस्पर्ट ही यहाँ पर प्रोबेबल स्टार्टर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। पोर्जिंग स्टार्ट करेंगे फ्रंट कोर्ट से, यानी पावर फॉरवर्ड और स्मॉल फॉरवर्ड सेक्शन से, और सेंटर पोजिशन से स्टार्ट करते देखने को मिलेंगे आपको गोफर्ट। ये इस टीम की स्टार्टिंग लाइन है। गोफर्ट ने रिसेंटली मैचेस में थोड़ा सा स्ट्रगल किया है यहाँ पर फाउल से, और स्पेशली आज के मैचेस में निकोला जोकिच को डिफेंस करने के लिए इनको यहाँ पर लगाया जाएगा। तो इनकी तरफ से परफॉर्मेंस आने के जो प्रेडिक्शन है वो काफ़ी कम है, परफॉर्मेंस इनकी तरफ से थोड़ा सा कम आ सकता है, और आज के मैचेस में भी ये फ्राउल ट्रबल आपको करते देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा यहाँ पर ही निकोला जोकिच को डिफेंस करने के लिए चले जाएंगे। और वैसे भी जो फ्रंट कोर्ट से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है, फ्रंट कोर्ट के प्लेयर को ज़्यादा परफॉर्मेंस करने देती नहीं है डेनवर। तो हो सकता है आज के मैचेस में गोफर्ड और काइली पोर्जिंगिस एक ऐसे प्लेयर रहेंगे जिन पर आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। किस पर अगर स्टार्ट करते तो इंपॉर्टेंट रहेंगे, ब्रैडली बिल को जरूर ट्राई कर लेना। रिसेंटली मैचेस में इन्होंने भी यहाँ पर फाउल के चलते ज़्यादा कुछ टाइम मिला नहीं, थोड़ा सा स्ट्रगल किया है, लेकिन प्लेयर अच्छा है, गेम को चलाएंगे। और जब यहाँ पर पोर्जिंगिस की तरफ से अगर परफॉर्मेंस नहीं आता तो ब्रैडली बिल का रोल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। मॉन्टी मॉरिस ने भी कंटिन्यूसली परफॉर्म दिया है। तीनों चारों बेस्ट प्लेयर है टीम के, जो स्टार प्लेयर है वो है यहाँ पर पोर्जिंगिस और ब्रैडली बिल। आज के मैचेस में डेनवर का फ्रंट कोर्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पर मैं पोर्जिंगिस को प्रोबेबली ड्रॉप कर चले जाऊँगा, क्योंकि क्रेडिट इशू है। दोनों में से किसी एक को हम यहाँ पर पिक कर सकते हैं, जहाँ पर मैं ब्रैडली बिल को अपने टीम में प्रोबेबली रख लूँगा और इनके साथ यहाँ पर मैं चला जाऊँगा। जो लास्ट मैचेस का प्लेयर परफॉर्मेंस है उसे भी अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं, पोर्जिंगिस की तरफ से परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, फील्ड गोल से सबसे ज़्यादा शॉट्स लिए थे। ब्रैडली बिल ने थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रगल किया था फाउल ट्रबल की वजह से, फिर भी यहाँ पर देखेंगे तो शूटिंग से इन्होंने काफ़ी ज़्यादा शूट्स किए थे, जिसमें से यहाँ पर शूटिंग से थोड़ा सा स्ट्रगल किया था, और थ्री पॉइंटिंग शूट भी इनकी ज़्यादा कुछ कनेक्ट हो पाई नहीं थी, फिर भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस। अगर शूटिंग से थोड़ा सा भी बेटर परफॉर्मेंस इनके लिए रहा तो काफ़ी सारे पॉइंट ये भी आपको देख कर दे देंगे। गोफर लास्ट मैच में टाइम मिला था, लेकिन परफॉर्मेंस उस लेवल का फिलहाल अभी भी यहाँ पर आया नहीं। अगर यहाँ पर ये ब्लॉक निकालते तो काफ़ी अच्छे पॉइंट इनके तरफ से आएंगे। मॉन्टी मॉरिस एक ऐसे प्लेयर है जो रेगुलरली परफॉर्म दे रहे हैं, किस पर एज ए स्टार्टर खेल रहे, तो यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। अगर किस पर स्टार्ट खेल रहे ना नहीं खेल रहे यहाँ पर काइली कंजुमा, तो बैन से जो इंपॉर्टेंट रोल रहेगा वो फ्रंट कोर्ट से रहेगा एवरेजिया का। एवरेजिया के लिए चांसेस रहेंगे कि उनको काफ़ी सारा टाइम मिलेगा। अगर बैन से किसी प्लेयर को अगर आप ट्राई करना ही चाहते हो इस टीम की तरफ से, तो एवरेजिया सबसे बेस्ट चॉइस रहेंगे, जो कि रेगुलरली इनकी तरफ से परफॉर्मेंस आ रहा है। लेकिन वो कब, जब आप पर काइली कंजुमा खेलेंगे नहीं, एवरेजिया के लिए चांसेस काफ़ी सारे रहेंगे कि उनको काफ़ी अच्छा टाइम मिलेगा। और बैकअप फ्रंट कोर्ट से यानी पावर फॉरवर्ड और उसके साथ साथ स्मॉल फॉरवर्ड सेक्शन से यहाँ पर एक खेलते हुए देखने को मिलेंगे। डी राइट को भी टाइम मिला, लेकिन उस लेवल का परफॉर्मेंस अभी भी इनके तरफ से आया नहीं, और गोडविन को भी रिसेंटली मैचेस में टाइम मिला है। तीन बेस्ट बेंच प्लेयर जहाँ पर मैं सबसे ज़्यादा जो प्रेफरेंस दूंगा वो दूंगा यहाँ पर अवेडिया को। सेकंड बेस्ट बेंच प्लेयर है डी राइट, लास्ट मैच में परफॉर्मेंस आया नहीं, लेकिन इनके तरफ से भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। रिसेंटली दोनों मैचेस में गोडविन ने भी परफॉर्मेंस दिया था। ये तीनों बेस्ट बेंच प्लेयर फर्स्ट चॉइस जो रहेंगी वो रहेंगे एवरेजिया की, सेकंड चॉइस रहेंगे डी राइट, और थर्ड बेस्ट प्लेयर रहेंगे वो रहेंगे यहाँ पर गोडविन। इन तीनों प्लेयर को आप बैन से ट्राई कर सकते हो। जो यहाँ पर रैंकिंग है वहाँ पर मुझे सबसे बेस्ट जो ऑप्शंस लगे वो लगे हैं यहाँ पर एवरेजिया, रेगुलरली परफॉर्मेंस आ रहा है, और काइली कंजुमा नहीं खेलेंगे तो इनके पास चांसेस भी रहेंगे कि उनको काफ़ी अच्छा टाइम मिल जाएगा, इफ और अनलेस अगर फाउल ट्रबल ना कर दे और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल ना कर दे डिफेंस में। ओवरऑल यहाँ पर दोनों टीम की तरफ से स्टार्टिंग लाइनअप, और उसके साथ साथ बैंस्टेन के बारे में हम बात कर चुके हैं। अगर यहाँ से बात करेंगे डेमो ड्रीमिलोन टीम, तो वहाँ पर जो सबसे पहले जो मेन प्लेयर है, जैसे कि यहाँ पर जेमेल मोले, ब्रैडली बिल को मैं अपने टीम में रखने वाला हूँ। ऑब्वियसली ब्रैडली बिल अगर टीम में रहेंगे, पोर्जिंगिस और निकोला जाकिस इन दोनों में से कोई एक प्लेयर नहीं रहेगा, पोर्जिंगिस को ड्रॉप करने का मैं रिस्क ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर निकोला जाकिस का फ्रंट कोर का डिफेंस काफ़ी अच्छा है, और इनको यहाँ पर डिफेंस करने के लिए पोर्जिंगिस अगर चले जाते हैं तो ये भी फाउल ट्रबल कर सकते हैं। यही रीज़न है कि यहाँ पर मैंने पोर्जिंगिस को ड्रॉप करने का यहाँ पर रिस्क लिया है। पावर फॉरवर्ड सेक्शन से काइली कंजुमा खेलते तो अच्छी चॉइस रहेंगे। एरन गोर्टन क्रेडिट काफ़ी ज़्यादा हायर साइड पर है। ब्रंस ब्राउन आपके लिए काफ़ी अच्छे चॉइस रहेंगे। एवरेजिया का परफॉर्मेंस आ रहा है, तो यही रीज़न है कि यहाँ पर मैंने एवरेजिया को यहाँ पर ट्राई किया है। ओवरऑल अगर यहाँ पर काइली कंजुमा नहीं खेलते तो एवरेजिया मेरे लिए यहाँ पर एक डिफॉल्ट पिक रहेंगे। स्मॉल फॉरवर्ड सेक्शन से मिचेल पोर्टर जूनियर को ट्राई किया है, क्योंकि कंटिन्यूसली इन्होंने परफॉर्मेंस दिया है, और रिसेंटली मैच का जो परफॉर्मेंस इनका काफ़ी अच्छा रहा है। किस पर स्टार्ट करेंगे, लास्ट मैचेस में परफॉर्मेंस आए नहीं, लेकिन प्लेयर काफ़ी अच्छा है, और क्रेडिट्स और ऑप्शंस में काफ़ी अच्छी चॉइस आपको यहाँ पर मिल जा रही है। बचेंगे यहाँ पर 14 क्रेडिट में आप ट्राई किससे कर सकते हो, एक यहाँ पर क्रिश्चियन ब्राउन, इन्हें यहाँ पर ट्राई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एक क्रेडिट स्कोर में आपको मिल जाएंगे। और ड्यू टू क्रेडिट इशू गोफर मेरे एनालिसिस में यहाँ पर फिट नहीं होते, फिर भी यहाँ पर क्रेडिट इशू की वजह से यहाँ पर मैंने इनको ट्राई किया है। 5 क्रेडिट में मुझे क्रिश्चियन ब्राउन के अलावा कोई और बेटर ऑप्शंस लग नहीं रहा है, तो क्रिश्चियन ब्राउन मेरे लिए यहाँ पर डिफॉल्ट पिक रहेंगे। बैन से और जो गॉडविन रहेंगे वो भी काफ़ी अच्छे चॉइस रहेंगे। मॉन्टी मॉरिस प्लेयर काफ़ी अच्छे, लेकिन क्रेडिट इशू है, उसके वजह से यहाँ पर मैंने इनको ड्रॉप करने का रिस्क लिया है। गोफर अगर यहाँ पर आज का मैच
फाउल ट्रबल कर देते तो बैंक से कोई एक प्लेयर रहेगा जिसको टाइम मिलेगा और वो प्लेयर रहेंगे यहाँ पर अविडिजा। तो अविडिजा के पास आज के मैचेस में अपॉर्चुनिटी रहेंगी कि टाइम इनको काफ़ी अच्छा मिलेगा, यही रीज़न है कि यहाँ पर अविडिजा को मेरे अपने टीम में रखा है। ये मेरे एक डेमो ड्रीमिलियन टीम है जहाँ पर बैलेंस टीम मैंने बनाने की कोशिश की, जो तीन बेस्ट प्लेयर है निकोला जोकिच, मिचेल पोर्टर और जमाल मुरे डेनवर की तरफ से, तीनों के यहाँ पर मैंने ट्राई किया है। और इस टीम की तरफ से जो बेस्ट प्लेयर है ब्रैडली बिल, अविडिजा किस पर स्टार्ट करेंगे तो इंपॉर्टेंट रहेंगे। गोफर के साथ में यहाँ पर ज़्यादा शोर नहीं और ना ही यहाँ पर शोर ज़्यादा यहाँ पर क्रिश्चियन ब्राउन, लेकिन क्रेडिट इशू है, किसी न किसी क्रेडिट सेवर प्लेयर को हमें यहाँ पर ट्राई करना पड़ेगा। और ये मेरे दो क्रेडिट सेवर प्लेयर रहेंगे जिन पर थोड़ा सा यहाँ पर मैंने रिस्क दिया है। ओवरऑल टीम काफ़ी अच्छी यहाँ पर मुझे लग रही है और मे भी फाइनल टीम भी हो सकती है। एसपी में अगर निकोला जोकिच को पिक करें तो कोई इशू नहीं, इनको ही यहाँ पर एसपी बनाएंगे। और उसी के साथ साथ वाइस कैप्टनसी यानी पीपी चॉइस में ब्रैडली बिल के यहाँ पर साथ में चला जाऊँगा। डिफरेंशियल ट्राई करना चाहते हो तो जमेल मेरो को आप यहाँ पर एज यहाँ पर पीपी ट्राई कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पर ब्रैडली मिले रहेंगे यहाँ पर एज यहाँ पर पीपी यानी वाइस कैप्टन। ये मेरे डेमो ड्रीमिलियन टीम है, अगर ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो एक टीम जरूर ट्राई कर लेना निकोला जोकिच को ड्रॉप कर आप अपने टीम में पोर्जिंग्स को ट्राई करने की। और पोर्जिंग्स को अगर यहाँ पर आप ट्राई कर रहे हो सकता है यहाँ पर गोफर को आप ड्रॉप कर किसी और प्लेयर को जो कि यहाँ पर इनको असिस्ट करेंगे, जैसे कि यहाँ पर मोंटे मॉरिस जैसे प्लेयर जो कि यहाँ पर पोर्जिंग्स को असिस्ट करते देखने को मिलेंगे, इनको यहाँ पर अपने टीम कॉम्बिनेशन में ट्राई कर लेना। फिलहाल मेरी एक डेमो ड्रीमिलियन टीम, मोस्टली फाइनल टीम और फाइनल अपडेट जो रहेंगे वो रहेंगे यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर, टीम सेव कर रख देना। अगर फाइनल अपडेट दे नहीं पाया तो लाइनअप के अकॉर्डिंग आप अपनी टीम में चेंजेस कर लेना। फिलहाल ओवरऑल मेरे मुझे यहाँ पर ये टीम काफ़ी अच्छी लग रही है तो प्रोबेबली यहाँ पर सेम टीम के साथ यहाँ पर मैं चला जाऊँगा। होप गाइज यू हैव टू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू हैव देन डो नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।